जब आप मजबूत हों तो कमजोर दिखें और जब आप कमजोर हों तो मजबूत दिखें। यदि आप शत्रु को जानते हैं और स्वयं को जानते हैं, तुम्हें 100 के परिणाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। लड़ाइयां आपकी योजनाएं रात की तरह अंधकारमय और अभेद्य हों, और जब आप आगे बढ़ें तो वज्र की तरह गिरें। अव्यवस्था के बीच अवसर भी है। विजयी योद्धा पहले जीतते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं युद्ध, जबकि पराजित योद्धा पहले युद्ध में जाते हैं और फिर जीतने की कोशिश करते हैं। अपने दुश्मन को जानने के लिए आपको बनना होगा आपके दुश्मन। लंबे समय तक युद्ध से किसी राष्ट्र को लाभ होने का कोई उदाहरण नहीं है। अपने आदमियों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने प्रिय पुत्रों के साथ करते हो, और वे आपका अनुसरण करेंगे सबसे गहरी घाटी, यहां तक कि बेहतरीन तलवार भी नमक में गिर गई पानी, अंततः जंग खा जाएगा। हवा की तरह तेज चलें और लकड़ी की तरह बारीकी से बने हों। आग की तरह हमला करो और पहाड़ की तरह शांत रहो। जैसे जैसे अवसर जब्त होते जाते हैं, अवसर बढ़ते जाते हैं। 5 से अधिक संगीत स्वर नहीं है, फिर भी इन 5 के संयोजन से इतनी अधिक धुनें उत्पन्न होती हैं जितनी कभी नहीं सुनी जा सकती। जब शत्रु निश्चिंत हो जाए तो उससे परिश्रम कराओ, जब उनका पेट भर जाए तो उन्हें भूखा रखें, जब व्यवस्थित हो जाए तो उन्हें चला दें। जो लड़ना चाहता है उसे पहले गिनना चाहिए लागत। यदि आप काफी देर तक नदी के किनारे प्रतीक्षा करते हैं तो आपके शत्रुओं के शव नदी में तैर जाएंगे। अपने आप को जानो और तुम सभी लड़ाइयां जीतोगे। 100 लड़ाइयों में 100 जीत हासिल करना कौशल की पराकाष्ठा नहीं है। बिना लड़े ही शत्रु को वश में कर लेना कौशल की पराकाष्ठा है। अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे हटने के लिए एक सुनहरा पुल बनाएं। निराकार बिंदु तक भी अत्यंत सूक्ष्म बने, यहां तक कि नीरवता के मुद्दे पर अत्यंत रहस्यमय ढंग से बने रहें, जिससे आप प्रतिद्वंद्वी के भाग्य के संचालक बन सकते हैं। सारा रहस्य शत्रु को भ्रमित करने में है, ताकि वह हमारी वास्तविक मंशा को न समझ सके। जिसे प्राचीन लोग चतुर्योद्धा कहते थे, वह होता है जो न केवल जीतता है बल्कि आसानी से जीतने में भी माहिर होता है। उसे जगाओ और उसकी सक्रियता या निष्क्रियता का सिद्धांत सीखो। उसे खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर करें, ताकि उसकी कमजोरियों का पता लगाया जा सके। तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। यदि मन इच्छुक हो तो शरीर कई चीजों के बिना भी चलता रह सकता है। इस प्रकार युद्ध में निपुण व्यक्ति शत्रु को हिलाता है, उससे विचलित नहीं होता। आक्रमण रक्षा का रहस्य है। रक्षा आक्रमण की योजना बनाना है। छोटी ताकतों से भी बड़े नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले विचार विमर्श करें। अगर जल्दी हो तो मैं बच जाऊंगा, यदि शीघ्रता न की गई तो मैं खो जाऊंगा। ये मृत्यु है। अंतिम उत्कृष्टता हर लड़ाई जीतने में नहीं है, बल्कि बिना लड़े ही दुश्मन को हराने में है। यदि आप दोनों को अनदेखा करते हैं, आपका शत्रु और स्वयं, आप निश्चित रूप से संकट में हैं। जब तक आपको फायदा न दिखे तब तक हिले नहीं, जब तक कुछ हासिल ना हो तब तक अपने सैनिकों का इस्तेमाल न करें, जब तक स्थिति गंभीर ना हो तब तक न लड़ें। न्याय का पहिया धीमी गति से चलता है लेकिन ठीक चलता है। अपने दोस्त से प्यार करना आसान है, लेकिन कभी कभी सीखने के लिए सबसे कठिन सबक अपने दुश्मन से प्यार करना है। यदि उसकी सेनाएं एकजुट हैं तो उन्हें अलग कर दो। आप ऐसे आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जो कठिन है उसकी योजना बनाएं, जबकि वह आसान है। जो बड़ा है उसे तब करें जब वह छोटा हो। यदि वह हर जगह सुदृढ़ीकरण भेजता है तो वह हर जगह कमजोर होगा। वहीं रहें जहां आपका दुश्मन नहीं है। शत्रु वह मित्र होता है जो आपके बारे में बहुत कुछ जानता है। व्यवस्था से अव्यवस्था आई, भय आया साहस, कमजोरी ताकत से आई। अगर आपका दोस्त आपके दुश्मन का दोस्त है तो
तो इसका मतलब है कि आपको उस दोस्त के साथ घूमना फिरना नहीं चाहिए। उस चीनी से सावधान रहें जिसमें जहर मिला हुआ है, उस मक्खी से सावधान रहें जो मरे हुए सांप पर बैठी है। जो युद्ध की बुराइयों को नहीं जानता वह इसके लाभों की सराहना नहीं कर सकता। इसलिए जिस प्रकार पानी का कोई स्थिर आकार नहीं होता, उसी प्रकार युद्ध में भी कोई स्थिर स्थितियां नहीं होती। अपने सैनिकों को अपने बच्चों के रूप में माने और वे गहरी घाटियों में आपका पीछा करेंगे। उन्हें अपने प्यारे बेटों के रूप में देखें। एक नेता ताकत से नहीं उदाहरण से नेतृत्व करता है। वह जीतेगा जो श्रेष्ठ और निम्न दोनों शक्तियों को संभालना जानता है। सामरिक स्वभाव बनाने में आप जो उच्चतम स्वर प्राप्त कर सकते हैं वह है उन्हें छिपाना। रणनीति के बिना, रणनीति सबसे धीमी होती है विजय का मार्ग। रणनीति के बिना, रणनीति है हार से पहले शोर। पकड़े गए सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें रखा जाना चाहिए। किसी को अपने शत्रु को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। किसी को केवल संलग्न होने की, अपनी इच्छा को नष्ट करने की आवश्यकता है। प्रत्येक जानवर जिसकी रगों में खून है और उसके सिर पर सींग है, जब उस पर हमला किया जाएगा तो वह लड़ेगा। ऐसे दोस्त पर कभी भरोसा न करें जो आपकी खामियों के बारे में चुप रहता हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी कंटेंट लाते रहते हैं।